नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे वॉशर्स के बारे में। जो वॉशर होती हैं वो हमारे किस काम आती हैं, किस मटेरियल की बनी होती हैं और किस किस तरह की होती हैं। तो वॉशर जो है काफी टाइप में पाई जाती हैं, लेकिन मेनली हम आज के चार टाइप डिस्कस करेंगे, प्लेन, टेपर, स्प्रिंग और टैब वॉशर। तो वॉशर क्या होती है? वॉशर का हम यूज करते हैं जब हम नट और बोल्ट का यूज करते हैं। नट एंड बोल्ट का जब आप यूज करते हैं तब आप वॉशर का यूज करते हैं। वॉशर का यूज किया क्यों जाता है? वॉशर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये नट को अच्छी तरह से टाइट रखे और उसको ढीला ना होने दे। और वॉशर का प्रयोग करने से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि संपर्क का एरिया भी बढ़ जाता है जो नट का होता है, तो उससे अच्छी तरह से टाइट हो जाता है नट। तो नट और बोल्ट के बीच में इसका यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जो वॉशर है हमारा, मेनली हमारा ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसको स्प्रिंग स्टील का भी बनाया जा सकता है, कार्बन स्टील का भी बनाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कई तरह के जो मटेरियल है स्टील के, हम इसमें जो क्वालिटी है स्टील की अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे माइल्ड स्टील, स्प्रिंग स्टील, कार्बन स्टील, कुछ भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो कौन कौन से टाइप के वॉशर हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो वॉशर है हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मशीनिंग के थ्रू भी बना सकते हैं और पंचिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मशीनिंग के थ्रू भी हम वॉशर को बना सकते हैं और पंचिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तो वॉशर जो है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन वॉशर की। प्लेन वॉशर आपने देखा होगा, लगभग ये हर जगह यूज किया जाता है। जहां पर भी आपको कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट को जोड़ना है या किसी मशीन के कंपोनेंट को जोड़ना है, तो इस तरह के प्लेन वॉशर यूज किए जाते हैं। तो जो ये प्लेन वॉशर होते हैं वो इस तरह के, अगर आप देखेंगे तो गोलाई में होते हैं और उनके बीच में होल होता है। तो ये जो होल है ये पंचिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं और मशीनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मशीनिंग के थ्रू जब आप करते हैं, बस उसको दोनों तरफ से वो चैम्फर हो जाती है, उसको चैम्फर करते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आप पंचिंग के थ्रू करते हैं तो पंचिंग के थ्रू वो चैम्फर नहीं होती, बस दोनों तरफ से। तो इसलिए जो प्लेन वॉशर है इसका ज्यादातर जो मशीनिंग कार्यों के लिए अगर यूज करना है तो आप मशीनिंग के थ्रू बनी वॉशर का यूज करते हैं। अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट को जोड़ने के लिए यूज करना है तो जो पंचिंग के थ्रू वॉशर बनी है उसका यूज करते हैं। तो जो प्लेन वॉशर है इस तरह की होती है, सर्कुलर होती है, बीच में होल होता है और इसकी कुछ थिकनेस होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इसका देखिए, प्लेन वॉशर का यूज यहाँ पे किया गया है। दो प्लेट्स के बीच में हमने बोल्ट को डाला और नीचे से नट को लगाया। ऊपर देखिए, जब हमने इसको डाला और ऊपर नट लगाया, यहाँ पे ये नट हमने लगाया, तो इससे पहले यहाँ पे वॉशर का यूज किया गया है। तो जो ये है बीच में, ये वॉशर है। तो वॉशर का प्रयोग किया गया है ताकि जो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके साथ अच्छी तरह से मैच हो जाए और इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर सके। तो प्लेन वॉशर का यूज इसलिए किया जाता है मशीनिंग कंपोनेंट को जोड़ने के लिए या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। तो प्लेन वॉशर आप कहीं भी देख सकते हैं। तो ये होती है प्लेन वॉशर। दूसरी है टेपर वॉशर। टेपर वॉशर का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये आपने रेयर ही देखी होगी। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जहां पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमें जोड़ना है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है, उनको जोड़ना है और वो टेपर में हो। देखिए, जैसे एंगल्स होते हैं हमारे इस तरह से, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सीधी लाइन ना हो, थोड़ी सी इस तरह से टेपर में हो। तो जैसे ही मान लीजिए इस तरह से वो नहीं है, इस तरह से थोड़ी सी टेपर में है, तो इस तरह के वॉशर का यूज किया जाता है ताकि जो हमारे इस तरह का वो एंगल था, ये वो वॉशर कंपनसेट कर सके और इसको बिल्कुल सीधा कर सके। जब आप इस वॉशर का यूज करेंगे तो जब आप इस एंगल पे उसको यूज करेंगे तो जब वो इसके ऊपर रखी जाएगी तो जो ऊपर वाला सिरा है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो हम अपने जो नट है उसको आसानी से और इजिली टाइट कर सकते हैं और वो कंपन से खुलेगा भी नहीं। तो टेपर वॉशर का यूज किया जाता है जहां पे एंगल हो और उसको सीधा करने के लिए, अगर हमें सीधा नट लगाना है, सीधी पोजीशन में करके लगाना है, तो हम टेपर वॉशर का यूज करते हैं। तीसरा आता है स्प्रिंग वॉशर। जो स्प्रिंग वॉशर है मेनली स्प्रिंग स्टील या कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये इस तरह की गोलाई में होते हैं, लेकिन इनका जो एक सिरा होता है वो ऊपर होता है, एक नीचे होता है। गोलाई में तो होते हैं, लेकिन अगर हम एक सिरे की बात करें कि इस तरह से कट लगा होता है, एक सिरा ऊपर होता है, एक नीचे होता है।
जैसे रिंग को बीच से काट एक तरफ से काट दिया जाए और उसका एक सिरा ऊपर कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, उस तरह का ये हमारा वाशर होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज आप वहां पे करते हैं जहां पे आप नट को टेंशन प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो कंपन से खुले ना। तो मेनली आप इसका यूज देख सकते हैं जो आजकल फैन आते हैं, फैन के जब आप पंख लगाते हैं, जो पंखों के साथ ये वाशर यूज की जाती है, जब आप उसके बीच में जो स्क्रू डालते हैं उसके साथ इस वाशर का यूज किया जाता है ताकि ये उसको टेंशन प्रोवाइड करती रहे और ये नट खुले ना। तो स्प्रिंग वाशर का मतलब है कि इस तरह से एक सिरा नीचे होता है, एक ऊपर होता है, और जब आप इसके बीच में स्क्रू को डालते हैं तो यहाँ से ये उसको टेंशन देता रहता है और सरफेस और इसके बीच में टेंशन रहता है तो नट टाइट रहता है, वो खुलता नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग वाशर। उसके बाद आता है टैब वाशर। जो टैब वाशर है इस तरह का वाशर होता है ये, उसके अंदर एक टैब, दो टैब, तीन टैब, मल्टी टैब भी हो सकते हैं। तो इन टैब्स का यूज क्या होता है ये प्लेन वाशर की तरह लेकिन इसके अंदर टैब लगाए गए हैं अलग से, जैसे कि ये लगाया गया है। तो इसका यूज क्या होता है, देखिए जब आप सिंपली नट और बोल्ट को टाइट करेंगे तो वाशर को उसके बीच में लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस वाशर का जो टैब है इसको एक, मान लीजिए दो टैब हैं, तो एक टैब को नीचे मोड़ देते हैं और एक टैब को ऊपर मोड़ देते हैं, तो विपरीत दिशा में दोनों टैब को मोड़ दिया जाता है। जो आपका मान लीजिए यहाँ पे हेक्सागोनल बोल्ट है तो एक पहलू जो है, एक टैब है, वो उसके ऊपर आ जाएगा, उसके साथ मोड़ देंगे, और जो दूसरा है उसको बिल्कुल उसके विपरीत नीचे मोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, ये नट एक तरह से लॉक में आ जाएगा और ये खुलेगा नहीं कंपन से। तो इस तरह से कई तरह के वाशर हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का वाशर हम यूज करते हैं। तो ये थे वाशर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।